एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड हैप्पी फ्रेंडशिप डे सभी को जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं, और वीडियो जो भी देख रहा है उसको बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैंने ये वीडियो पोस्ट किया है अपने राखी के मेकअप लुक को क्रिएट करके। एक्चुअली ये मेकअप लुक मैंने आज ही क्रिएट किया है और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को भी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो रिप्लाई ज़रूर करिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा, मुझे बताइएगा कि आप लोग को क्या चीज़ें अच्छी लगी या फिर क्या चीज़ें आप मुझे और सजेस्ट करना चाहते हैं कि मैं चेंज करूँ। मैं वेट करूँगी आप लोग के कमेंट का। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस मेकअप को क्रिएट करना में के लिए। तो सबसे पहले मैंने अपने फेस को वॉश कर लिया है। मेक श्योर कि आप जब भी मेकअप स्टार्ट करें उससे पहले आप अपने चेहरे को अच्छे से क्लीन कर लीजिए ताकि जो भी गंदगी हो वो सारी हट जाए। और चूंकि आज का मेकअप लॉन्ग लास्टिंग होगा, मतलब पूरे दिन के लिए करना होगा, तो इसलिए मैं प्राइमर का इस्तेमाल करूँगी। एज अ प्राइमर मैं एलोवेरा जेल को यूज़ कर रही हूँ। आप एलोवेरा जेल में थोड़े से पानी को ऐड करके और फिर उसको अपने फेस पर अप्लाई करिए, या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि जब आपने फेस वॉश किया तो उसी टाइम पर आप वहीं पर एलोवेरा जेल लेकर के फट से अप्लाई कर लीजिए, तो वो जो मॉइस्चर कंटेंट होता है उसको रोके रहता है स्किन में, प्लस स्विटिंग को भी काफ़ी हद तक ये रोकता है। इसके बाद जब ये एब्जॉर्ब हो जाए स्किन के अंदर अच्छे से तो फिर आगे का मेकअप स्टार्ट करेंगे। तो उसके बाद जो दूसरी चीज़ सेकेंड स्टेप है वो है अपने ब्रोज़ को फिल करना। मैं आज अपनी ब्रोज़ को सेट कर रही हूँ। एक्चुअली मेरे लास्ट जो मैंने तीज का वीडियो बनाया था उसमें मैंने जो ब्रोज़ बनाई थी वो तो काफ़ी मोटी हो गई थी, बिल्कुल क्रूर सिंह की तरह। वो चीज़ मुझे रियलाइज़ हुई जब मैंने खुद वीडियो बाद में उसको देखा अच्छे से, देन आई गेट टू रियलाइज़ कि ओफ ये तो बहुत ही बड़ी मिस्टेक हो गई थी। तो वो वीडियो अगर आपको देखना हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा, वहाँ पर मैंने वो वीडियो डाल रखी है। और जब भी आप ब्रोज़ या फिर आईलाइनर पे काम करें ना तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी होती हैं कि अगर बिगड़ जाएँ तो इनको सुधारने में काफ़ी टाइम लग जाता है। सो इट्स बेटर कि पहले थोड़ी पतली की जाए, फिर मोटी तो बाद में करी जा सकती है, लेकिन एक बार मोटी होने के बाद उसको पतला नहीं किया जा सकता है। अब इसके बाद मैं ये कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ। सबको ज़रूरत नहीं होती है कंसीलर अप्लाई करने की, लेकिन जिसकी आईज़ के यहाँ की जो स्किन होती है वो अनइवन हो या डार्क सर्कल्स हो तो फिर कंसीलर अप्लाई करने से स्किन मैच कर जाती है। और हमेशा स्प्रेडिंग आप ब्लेंडर के हेल्प से टैप टैप मोशन में ही किया करिए। एक्चुअली जब आप ब्लेंडर को यूज़ करते हैं तो उसको हमेशा पानी में डिप करके, मतलब भिगो करके और फिर गार करके इस्तेमाल करिए। इससे क्या होती है जो ब्लेंडिंग होती है ना वो बहुत स्मूथ और फ्लॉलेस होती है, अलग अलग स्किन टोन नहीं होता है, पैचेस नहीं बनते हैं, बिल्कुल इक्वल सा हो जाती है मिक्सिंग, देख सकते हैं आप। अब इसके बाद ये आपको मैं सेकेंड टिप दे रही हूँ कि जो लोग भी बिगनर हैं, जो आई मेकअप अभी स्टार्ट कर रहे हैं या फिर आई लाइनर लगाने की ट्रेनिंग ले रहे हैं या ट्राई करते हैं, तो हमेशा इस तरीके से आप एक टेप यहाँ पे इस तरीके से स्टिक करके और फिर आई मेकअप या फिर आई लाइनर पे काम किया करें। इससे क्या होता है कि कोई भी चीज़ आपके जो ये आईज़ की लिमिट होती है उसके बाहर नहीं जाती है। अदरवाइज़ क्या होता है कि आप जब मेकअप करते हो तो वो चीज़ें बाहर चली जाती हैं। अब इस तरह का जो आपके मेकअप ब्रश के पैलेट में ब्रश होता है उससे आप अपने सबसे पहले आईज़ की क्रीज़ को फॉर्म करिए। तो क्रीज़ ये पार्ट होता है जहाँ से आईज़ बंद होती है, सेम उस पार्ट पे आज मैंने जो शेड लिया वो बिल्कुल न्यूड कलर लिया है, क्योंकि दिन का मेकअप है तो दिन में बहुत ज़्यादा डार्क मेकअप नहीं अच्छा लगता है, तो इसलिए मैंने बहुत ही न्यूड शेड को इस्तेमाल किया है। जो मेरी आईज़ के ऊपर की बोन्स हैं उस पर मैं थोड़ा सा डार्क शेड ऐड करूँगी ताकि जो कॉम्बिनेशन है वो अच्छा सा हो जाए। तो इस तरीके से आप पहले क्रीज़ को फॉर्म करिए अच्छे से। क्रीज़ फॉर्म करना सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसी के ऊपर आपका सारा आई मेकअप डिपेंड करता है, और कलर कॉम्बिनेशन भी इसी के अकॉर्डिंग आपका आगे जो होता है वो फिक्स होता है। तो ये देखिए इस तरीके से आप अपने क्रीज़ को कट करके और उसकी अच्छी सी फिनिशिंग दीजिए। इससे क्या होता है कि जो आई होती मतलब आँखों की जो हाइलाइटिंग होती है वो बहुत अच्छी हो जाती है। इसके बाद ये आईज़ के ऊपर की जो बोन होती है उस पर आप जो भी शेड यूज़ कर रहे हैं क्रीज़ को फॉर्म करने के लिए उससे थोड़ा सा एक शेड डार्कर यूज़ करिए ताकि आपकी आईज़ अच्छे से उभर के दिखे और अच्छे से उसका मतलब मेकअप अच्छा हो, आपका कॉम्बिनेशन जो हो कलर्स का वो बहुत अच्छा हो। इस तरीके से ये देख सकते हैं उससे एक शेड मैंने डार्कर लिया है। और अब आपको जो करना है वो होती है स्मचिंग, मतलब जो भी चीज़ें भी आपने अप्लाई करी है उसको बहुत अच्छे से मिक्स करना। मिक्सिंग करने की वजह से ही जो उसका अच्छा सा लुक क्रिएट होता है ना वो इस मिक्सिंग की वजह से ही क्रिएट होता है। तो बस मैंने ये चीज़ अच्छे से मिक्स कर लिया, और अब इसके बाद मैं आपके पैलेट में जो इस तरीके का ब्रश होता है इसकी हेल्प से मैं इसके ऊपर में शिमरी मतलब जो शाइन करने वाला ग्लिटर वाला शेड होता है उसको अप्लाई कर रही हूँ। अब चूंकि मेरी जो ड्रेस है उसी के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे येलो कलर ले लिया है, येलो का शाइनिंग कलर ले करके, और उसको मैं यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ। दोनों आईज़ पे पहले मैं अप्लाई करूँगी और फिर उसकी ब्लेंडिंग करूँगी, मतलब मिक्सिंग करूँगी, ताकि वो बिल्कुल अलग सा ना दिखे आईज़ के ऊपर, बिल्कुल मिक्स हो जाए आईज़ के अंदर और अच्छी सी शाइन आ जाए उसकी।
तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से अब जो आईज़ में मेकअप है वो बिल्कुल अच्छा सा दिखने लगा है। अब इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी और फिर आगे का मेकअप स्टार्ट करूँगी। तो ये मेरा आई मेकअप बिल्कुल रेडी हो गया है, ये देख सकते हैं आप कि अब मैं इसकी मिक्सिंग कर रही हूँ ताकि सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं और फिर बस दोनों आईज़ को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया। ब्लेंडिंग बहुत अच्छी सी हो गई है, आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा सा कलर कॉम्बिनेशन बन के आया है कि ऊपर मैंने ब्रॉन्ज कलर लिया है, क्रीज पे मैंने बिल्कुल न्यूड कलर लिया है और फिर आईलिड के ऊपर में मैंने कुछ शाइनी सा लिया है। और अब मैं यहाँ पे आईलाइनर अप्लाई कर रही हूँ। तो आईलाइनर चूंकि मैंने आज लगाए हुए टेप सेलो टेप, तो उसकी वजह से मैं अच्छे से विंग्स भी क्रिएट कर पाऊँगी। मुझे थोड़ा सा आईलाइनर ना जो था उसकी ब्लैकनेस कम लग रही थी, तो इसलिए मैंने ये लिक्विड लाइनर भी उसके ऊपर अप्लाई कर लिया है ताकि जो अच्छा सा कलर है वो आ जाए ब्लैक ब्लैक सा। मुझे लग रहा है उस आईलाइनर की वजह से जो ब्लैक कलर था वो बहुत अच्छा नहीं बन के आ पाया था, तो इसलिए विंग्स मैंने उससे क्रिएट कर ली थी। बाकी जो लाइनिंग है वो मैं इस लिक्विड लाइनर से कर रही हूँ, और वैसे भी लिक्विड लाइनर मैं बहुत पहले से इस्तेमाल करती हूँ तो उसके मेरा उस पर मेरा हाथ बहुत अच्छे से सेट है। बहुत सारे लोग लिक्विड लाइनर के साथ काम नहीं कर पाते हैं, बट मैंने स्टार्टिंग उसी से करी थी तो इसलिए मैं उसको बहुत अच्छे से अप्लाई कर लेती हूँ। बट अगर आप बिगनर हैं तो मेक श्योर कि आप हमेशा वो स्केच वाले लाइनर को ही इस्तेमाल करिएगा, क्योंकि लिक्विड लाइनर से बहुत ज़्यादा मिस्टेक हो जाती है। तो ये मेरा आई मेकअप बिल्कुल रेडी हो गया है, सिर्फ मुझे मस्करा अप्लाई करना है जो कि मैं लास्ट में करूँगी। अब फेस के लिए मैंने ये हुडा ब्यूटी का अपना फाउंडेशन ले लिया, अब इसको मैं अप्लाई करूँगी अपने फेस पूरे फेस के ऊपर में। इस तरीके से मैं इसको लगा लूँगी और फिर इसकी ब्लेंडिंग स्टार्ट करूँगी। हर पोर्शन में आप अच्छे से लगा लीजिए ताकि जब आप ब्लेंडिंग करें तो कहीं पे भी कम ज़्यादा ना हो, तो इस वजह से आप उस चीज़ को रिमूव करने के लिए आप हर जगह पे अच्छे से इस तरीके से अप्लाई कर लीजिए। और अब मैं इस ब्लेंडर को, ये ब्लेंडर को भी मैंने पानी में डिप कर लिया था और उसके बाद अब इससे मैं स्प्रेडिंग कर रही हूँ। आप देख सकते हैं कि पानी में डिप करने के बाद जो स्प्रेडिंग होती है ना वो बहुत अच्छी आती है, बिल्कुल फ्लॉलेस आती है, क्योंकि थोड़ा सा उसमें लिक्विड सा आ जाता है जिसकी वजह से बहुत अच्छे से स्प्रेड हो जाती हैं चीज़ें। ये देखिए आप देख सकते हैं कि मतलब स्किन में बिल्कुल जा कर के वो, जैसे एक होता है मेकअप कि आप जब लगाते हैं फाउंडेशन वगैरह तो वो बिल्कुल उभरा उभरा सा दिखता है आपके स्किन के ऊपर, लेकिन ये देखिए ये बिल्कुल एब्जॉर्ब हो जाता है स्किन के अंदर में। बस आप इसको 5 मिनट दीजिए ताकि ये अच्छे से सूख जाए, मतलब एब्जॉर्ब हो जाए स्किन में, और उसके बाद आप इसको ये जो लूज़ पाउडर होता है, कॉम्पैक्ट पाउडर होता है, उसकी हेल्प से आप इसको सेट कर लीजिए। इसकी वजह से क्या होता है कि कहीं पे भी अगर कम ज़्यादा कुछ रहता है तो वो सब कुछ सेट हो जाता है, प्लस आपका मेकअप भी काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है। और लास्ट में भी आप लूज़ पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं, सारा मेकअप करने के बाद अगर आपको कहीं पे लग रहा है कि हाँ कुछ एक्स्ट्रा हो गया है तो वहाँ पे भी आप कॉम्पैक्ट या लूज़ पाउडर का इस्तेमाल करके उसको अच्छे से सेट कर सकते हैं, कम या ज़्यादा कुछ भी कर सकते हैं। तो ये हो गया मेरा मेकअप लुक। अब मैं लिपस्टिक का यूज़ कर रही हूँ। लिपस्टिक के लिए मैंने ये ले ली है लिप लाइनर, बिल्कुल रेड कलर की लिप लाइनर का मैंने इस्तेमाल किया है। लिप लाइनर मैं लिप लाइनिंग करूँगी बिल्कुल रेड कलर से, और जो अंदर फिल करूँगी लिपस्टिक वो होगी थोड़ी सी लाइटर शेड की। तो इस तरीके से आप अच्छे से लिपस्टिक को फिलअप कर लीजिए ताकि जो आपका एरिया है लिप्स का उससे बाहर ना जाए स्किन में लिपस्टिक। ये हो गया। और अब जो मैं ये लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ ये बिल्कुल जो नेचुरल कलर की लिपस्टिक होती है जो बाद में थोड़ी सी डार्क हो जाती है पिंकिश कलर की, वो अब चूंकि ये दो कलर हो गया ना, एक रेड और एक ये पिंक, तो ये दोनों मिलकर बिल्कुल रोज़ रेड कलर आ जाएगा। आप अभी देखिएगा कितना अच्छा सा कलर बन के आया। तो आप भी ऐसे ट्राई किया करिए कि दो कलर्स को मिक्स करिए तो हमेशा जो कलर कॉम्बिनेशन बन के आता है वो डेफ़िनेटली बहुत अच्छा होता है। और अब इसके बाद मैं ये आई शेडो सॉरी मस्करा का इस्तेमाल कर रही हूँ लास्ट में। तो ये मस्करा लगा करके और बस इस तरीके से मेरा आई मेकअप बिल्कुल रेडी हो गया। और अब एक सिंपल सी बिंदी रह गई है तो अब मैं वो बिंदी अप्लाई करूँगी और उसके बाद में ये मेरा मेकअप हो करके रेडी हो गया। और लास्ट में मैं ब्लशर का इस्तेमाल करूँगी। ब्लशर आज मैंने एक्चुअली कॉन्टोरिंग वगैरह नहीं किए क्योंकि मुझे लग नहीं रहा था कि उसकी ज़रूरत है, तो इसलिए मैंने सिर्फ ये हल्का सा ब्लशर को यूज़ कर लूँगी इस तरीके से। और ब्लशर को भी हमेशा लगाने के बाद आप अच्छे से स्मच करिए। स्मच करने से क्या होता है कि वो बिल्कुल स्किन में मिक्स हो जाता है, अदरवाइज़ वो बिल्कुल अलग से रेड रेड सा दिखता है तो वो अच्छा नहीं लगता है। तो बस ये हो गया मेकअप लुक मेरा रेडी हो गया। मैं आपको अभी अपना पूरा फेस का मेकअप लुक दिखाती हूँ कि कैसा लग रहा है। ये देखिए ये मेरा फेस है,
मेकअप के बाद ये मेरी आईज़ मेकअप हैं जो कि बिल्कुल न्यूड हैं, दिन के हिसाब से बिल्कुल अच्छे से हैं और ये मेरा मेकअप लुक बनके रेडी हो गया। उम्मीद करती हूँ कि ये जो मेरा मैंने मेकअप लुक क्रिएट किया था आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो डेफिनेटली मुझे कमेंट करके बताइएगा। और अगर आप चाहते हैं देखना कि कुछ फ़ोटो पोजेज कि किस तरीके से आप फ़ोटो क्लिक कराएं तो मुझे इंस्टाग्राम पे ज्वाइन करिएगा। वहाँ पे आजकल मैं बहुत सारे फ़ोटो शूट्स के वीडियो डालती हूँ तो डेफ़िनेटली आपको उससे हेल्प मिलेगी।